वेलकम फ्रेंड्स, अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। वैसे तो मैं बैंकर्स के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, डिफेंस पर्सोनल के लिए, सभी के लिए कोई खुशखबरी ही लेके आता हूँ। लेकिन आज मैं DOPT गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक सर्कुलर जो 20 जून 2019 को इशू हुआ है और 21 जून के न्यूज़पेपर्स में छपा है, तो वो न्यूज़ क्या है? वो है पीरियोडिक रिव्यू ऑफ एम्प्लॉइज़। वो बैंक एम्प्लॉइज़, बैंक कर्मचारियों के ऊपर, केंद्रीय कर्मचारियों के ऊपर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के ऊपर, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के ऊपर, सभी के ऊपर लागू है। उसमें लिखा हुआ है कि करप्ट एंड नॉन परफॉर्मिंग ऑफिसर टू बी वीडेड आउट। जो का नकारा ऑफिसर हैं, नकारा एम्प्लॉइज़ हैं, काम चोर हैं, काम से कतराते हैं, उनकी परफॉर्मेंस ख़राब है, पुअर परफॉर्मेंस है और उनकी रिपोर्ट ख़राब हैं। और दूसरा है करप्ट ऑफिसर, जो जिनके ऊपर रिश्वत का केस बन गया है, जो करप्शन के घेरे में आ चुके हैं या उनके ऊपर एलिगेशन लग चुके हैं, तो उनकी रिपोर्ट तैयार करने को बोला गया है। पीरियोडिक रिव्यू होगा और पीरियोडिक रिव्यू में हर महीने की 15 तारीख को डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट ऊपर भेजनी है। उसका जो सर्कुलर है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। 20 जून DOPT डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग, DOPT डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्कुलर है। सूर्या नारायण झा अंडर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिग्नेचर हैं और 20 जून की डेट है। उसके नीचे टेलीफोन का नंबर भी है दिया हुआ है, ताकि कोई कमेंट्स में ये ना कहे कि कौन सा सर्कुलर है जी, हमारे को नहीं पता। साथ में ये रिटर्न भी दिखा रहा हूँ कि 15 तारीख को जो रिपोर्ट जानी है उसका परफॉर्मा भी है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि रूल, फंडामेंटल रूल 56J1 के अंदर आपने क्या क्या एक्शन लिया है, और सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल पेंशन 1972 रूल 48, ये दोनों रूल नोट कर लो। रूल 48 के अंडर एक्शन होगा, रूल 56 फंडामेंटल रूल FR 56 जिसको कहते हैं J1, इसके अंडर करप्शन एंड नॉन परफॉर्मेंस आती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की। तो उसकी सरकार, मोदी सरकार ने नई इंस्ट्रक्शन कर दी है ताकि हार्श डिसीजन, कड़े डिसीजन ले जाएँ करप्ट ऑफिसर के अगेंस्ट, जो नॉन परफॉर्मिंग है, जो एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक काम नहीं कर रहा है। और न्यूज़पेपर में जो सीन दिखाया गया है वो बैंक का सीन दिखाया गया है। बैंक का एम्प्लॉई काम कर रहा है, कस्टमर खड़ा है, तो उसके मुताबिक बैंक्स के ऊपर भी ये लागू है, केंद्रीय कर्मचारियों के, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजर, पब्लिक सेक्टर अंडर, हर तरह के एम्प्लॉई के ऊपर ये लागू हो गया है। तो ये रिपोर्ट 15 जुलाई को पहली बार शुरू हो जाएगी, 15 जुलाई को ये रिपोर्ट चली जानी है। मैंने आपको पूरा सर्कुलर दिखा दिया है और लाइव मिंट की जो न्यूज़ है न्यूज़पेपर की, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसमें रूल भी लिखा हुआ है और उसमें ये भी लिखा है किस डेट से शुरू होना है, क्या परफॉर्मा है, कैसे भरना है। तो सभी केंद्रीय कर्मचारियों, बैंक कर्मचारियों को खास करके, क्योंकि बैंक के कर्मचारी तो पहले ही हार्ड ड्यूटी दे रहे हैं, बहुत ईमानदारी से ड्यूटी दे रहे हैं, और जो भी गलत काम हुए हैं टॉप लेवल पर, अंडर पॉलिटिकल प्रेशर हुए हैं, वो हमारे को पता है। लेकिन गवर्नमेंट के कानून की जकड़ में जो भी आ गया उसके लिए बचना मुश्किल हो जाता है। जब पीरियोडिक रिव्यू में रिपोर्ट चली गई कि इसने ऐसा काम किया है, इसके अगेंस्ट ऐसी कंप्लेंट आई है, उसकी इंक्वायरी के अंदर ये प्रूव हो चुका है, तो उसको रिमूव किया जाएगा, नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा। रिमूवल का पूरा पावर है गवर्नमेंट के पास। और सभी कर्मचारियों से मैं इस वीडियो के थ्रू आपको कॉशन देता हूं कि ये 20 जून का सर्कुलर निकल चुका है, आज या कल ऑफिसर्स में पहुंच जाएगा, मंडे को ये सारे ऑफिसर्स में पहुंच जाएगा और सभी जगह सर्कुलेट भी हो जाएगा। तो इसलिए एज ए यूट्यूबर मेरी ड्यूटी है अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल की आपको कॉशन देना, अपना ध्यान रखें और ध्यान से काम करें और पब्लिक को बहुत आराम से डील करें। और उसके बाद दूसरा है कि इस वीडियो को मैसेज कन्वे करने का तभी फायदा है कि सभी के पास शेयर कर दो, लाइक कर दो और लाल रंग का जो सब्सक्राइब का बटन है इसे दबाओ, ताकि सभी के पास ये सारे आप अरोड़ा सॉल्यूशन चैनल के साथ जुड़ जाएं
और जो भी ऐसा कोई अपडेट आता है मैं डालूंगा तो आपको पता चल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।